एमएमआरडीए ने हाल ही में मुंबई की दो नई आने वाली मेट्रो लाइन येलो लाइन फेज 1 जो कि लाइन 2A के नाम से भी जानी जाती है और रेड लाइन फेज 1 जिसे लाइन 7 के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों लाइनों पे ट्रेन्स के साथ डायनामिक ट्रायल्स करने शुरू कर दिए हैं। सितंबर 3, 2021 पे देखने पर 3 ट्रेन सेट मुंबई के चारकोप मेट्रो डेपो में दाखिल हो चुके हैं। चारकोप डेपो शुरुआत के दिनों में इन दोनों लाइन के ट्रेन्स के मेंटेनेंस में काम आएगा, जब तक रेड लाइन का अपना खुद का मेट्रो डेपो तैयार नहीं हो जाता, जो कि भाईंदर के वेस्ट में बनना अपेक्षित है। तब तक चारकोप डेपो येलो तथा रेड लाइन की ट्रेन्स के संभालने हेतु यूज किया जाएगा। आजकल ये ट्रेन सेट वीकडेज में इन दोनों लाइन पर ट्रायल करते हुए फिरते हैं। हाल ही में दूसरे ट्रैक पे भी एक ट्रेन ट्रायल करती हुई नजर आई, जिससे कि ये क्लियर हो गया कि अब दोनों ट्रैक ट्रायल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एमएमआरडीए ने इसके पहले अपने डिपार्टमेंटल ट्रक और सीवीएम की मदद से इन दोनों मेट्रो कॉरिडोर्स पे ओवरहेड केबलिंग का काम कंप्लीट किया था। वो ट्रक्स उन ट्रैक्स पे चलने वाले पहले व्हीकल्स थे। इस एरियल वीडियो में वही एक ट्रेन आपको देखने मिलेगी जो कि चारकोप डेपो से होकर रेड लाइन की ओर जा रही है। इन दोनों मेट्रो लाइंस पे अभी भी बहुत ऐसा काम बाकी है जो कंप्लीट होने के पहले इन्हें आम जनता के लिए खोला नहीं जा सकता। आशा है कि एमएमआरडीए इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि हर मुंबईकर इस नए प्रोजेक्ट का फायदा उठा पाए।